तो वो 50 रुपये हो, तो बताओ बच्चों कितने पैसे हुए। तो वो कुछ पैसों का उसका मान निकाल देते हैं, तो इससे भी उनको पता चल जाता है कुछ जहाँ हमें पता ही नहीं है, वैल्यू नहीं पता है, तो उसमें कुछ को हमने ए बी सी डी से लेकर जेड तक कुछ भी मान सकते हैं। तो वो जो चीज़ होती है वो देखिए, वैसे भी हम कोई भी चीज़ जैसे गणित भी हम पढ़ाते हैं तो गणित को हिंदी से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो हम मतलब जो है वो अपना शो करते हैं बीज गणित, तो उसमें शब्द आता है बीज। बीज ऐसी चीज़ है जो हमारी जब जमीन में रोपी जाती है तब उसमें से कितना बड़ा पेड़ निकलेगा, कितनी बड़ी उसमें कितनी शाखाएँ होंगी, क्या क्या होगा उसके अंदर, ये हमें नहीं मालूम, ये हमारे लिए अननोन होता है। तो हम बच्चे को जो है इस तरह से बोलते हैं कि हमने बच्चे ने अभी तक अंकगणित पढ़ी है, उसने अंकों का हिसाब किताब लगाया, जोड़ घटा बड़ा भाग सब कुछ करा उसका, लेकिन बीज से जब वो जोड़ता है तो बीज का मतलब अननोन, यानी कि कुछ कुछ ऐसा है जो डिफरेंट है, जो हमें नहीं पता है, जो हमें नहीं पता है, तब हम उसको जो है वो राशि में लेके आते हैं, चर राशि और अचर राशि। और जो चर राशि, चर का मतलब फिर हम बच्चों को तुरंत भैंस के पास ले जाते हैं, जैसे भैंस का वो हमेशा चलता रहता है, एक्टिंग करके उसे दिखा सकते हैं, तो उसी तरीके से चर राशि हमेशा चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, वही चर राशि हमारी बीज गणित की तरह काम आती है, एक्स वाई जेड का आधा का। तो अचर वो होता है जो दुनिया में कहीं भी चले जाओ वो सेम रहेगा, वो है अगर कहीं आप इशारा भी करोगे, लैंग्वेज नहीं जानते, इशारा करोगे वो दो ही समझेगा, चाहे जाके नहीं तो चाहे वो हरे भी हो। तो इस तरीके से हम उसे जोड़ते हैं तो थोड़ा सा वो करीब आने की कोशिश होती है। अच्छा, इसमें जोड़ना है दो बटरफ्लाई, देखिए हम इसको उसके पूर्व ज्ञान से ही जोड़ रहे हैं, जो प्रीवियस नॉलेज है हम उसी से कनेक्ट कर रहे हैं, बच्चे को सहज महसूस कराना है कि कुछ ऐसा नहीं है कि जो मुश्किल है, नई दुनिया में तो जा रहे हैं हम, ए बी सी डी से भी हैंडल करना है, एक्स वाई जेड से, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं आ पाए, इट्स वेरी इजी। बटरफ्लाई आ गया है बच्चा, इसीलिए दे रहा है। अगर आप ऐसे कर रहे हो कि आप बातों बातों में बच्चे से क्वेश्चन कर रहे हो और बच्चा अपने आप आंसर दे पा रहा है सहजता के साथ, और बीच बीच में कहीं कहीं आपको हेल्प करने की जरूरत पड़ रही है, मतलब एकदम स्मूथली टीचिंग चल रही है, टीचिंग लर्निंग स्मूथली ही तो चलाना है हमें। तो 3 बटरफ्लाई 2 बटरफ्लाई मिलके 5 बटरफ्लाई, तो 5 बटरफ्लाई मत लिखिए, क्या लिख देंगे बच्चों, है ना, एक तो प्रश्न दे दीजिए उनको राइट टर्म्स पे, राइट। अब मैंने फिर, क्योंकि जब हम कोई नई चीज सिखाते हैं तो उसके लिए एक तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देते हैं, तो नेक्स्ट मैंने अब बटरफ्लाई को हटाया, जैसे कल टेक्निक हमने की थी कि पहले मैंगो, तो मैंगो से अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है तो आप अगले स्टेप पे आ गए, बनाना ले लिया। यहाँ अब मैंने ले ली है क्या, फिश, अच्छी लग रही है, ब्यूटीफुल, बच्चों से बात करना है, उनको सहज महसूस कराना है क्लास में। ये कितनी फिश है, 2 है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, अब क्योंकि एक बार हम बता चुके हैं तो वो खुद बोलेंगे 2F। ये बच्चों कितनी फिश है, 3, तो कितना लिखेंगे 3F। तो 2 फिश और 3 फिश मिलके कितनी फिश, 5 फिश, क्या लिखे बताओ, 5F, है ना, बच्चा खुद आंसर देगा। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है। बटरफ्लाई, कितनी बटरफ्लाई है, 2 बटरफ्लाई, क्या लिखे, 2B, वेरी गुड। और ये कितनी फिश है, 3 फिश है, क्या लिखे, 3F। तो 2B और 3F मिलके क्या बन जाएगा, अब फिर से बच्चा कुछ का कुछ आंसर देगा तो आपको कहां लेके आना है, वहां, क्यों, एप्पल और बनाना को वो बहुत अच्छे से जानता है ना, कि एप्पल में मैम ने मना किया था बनाना नहीं जोड़ना है, ना बनाना में एप्पल जोड़ना है, जुड़ ही नहीं सकता। आप उसको सिखाएंगे कि जो A है वो B में नहीं जुड़ सकता, यहाँ B F में नहीं जुड़ सकता, B बिल्कुल अलग चीज है, F बिल्कुल अलग चीज है। बच्चा धीरे 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 करके एलजेब्रा से परिचित होता जा रहा है। उसके बाद आपको जो पढ़ाना है व्यंजक पढ़ाना है, उसमें ले आइए, व्यंजक फॉर्मुलेट करा दीजिए। व्यंजक देखिए
कैसे फॉर्मूले X
इन दोनों गेम जगहों को हमें जोड़ना है, प्लस ये पांच है। अब देखिए अरेंज करते जा रहे हैं, अरेंज करने का भी बड़ा इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है। तो पांच एक्स स्क्वायर में हमेशा एक्स स्क्वायर ही जुड़ेगा, ये बच्चा खुद बताएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक्स में एक्स जोड़ेंगे हमेशा, नंबर में नंबर जुड़ेगा जो कांस्टेंट है, और फिर बच्चे से इसका आंसर कॉपी पे निकलवा दें। अब इस एक्टिविटी के जरिए से आ जाएंगे हम अपने कॉपी पेन पे। बच्चे को लिखने में ही तो प्रॉब्लम है, लिख ही तो नहीं पाता है क्योंकि एक्स है, वाई है, जेड है, अब कैसे ये एबीसीडी शुरू हो चुकी है मैथ्स में। तो कॉपी पे आकर